अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज भी हम जो है ना मूवीज के फ्लैश कार्ड ही करेंगे। आज हम कॉमन वर्ड्स 2 जो है ना वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यस चलें हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। साथ साथ मैं इसके सर्च भी करता रहूँगा, मैं वो भी खोल भी लेता हूँ। अच्छा, हमारे पास पहला वर्ड है कॉन्स्पिशुअस, ठीक है। आवाज ना आए ना तो आपने काइंडली बता देना मुझे, ठीक है। कॉन्स्पिशुअस, कॉन्स्पिशुअस का मतलब होता है विदाउट एनी अटेम्प्ट एट कंसीलमेंट, यानी कम्प्लीटली ऑब्वियस, जो खुली हुई चीज होती है ना, मतलब के बिल्कुल क्लियर होती है, ठीक है। उसको कहते हैं ये कॉन्स्पिशुअस है। इसको ना इसके मीनिंग भी देख लेते हैं, ज्यादा रेलिवेंट मीनिंग, यानी कि वो चीज जो ऑब्वियस भी है या नोटिसेबल है, ठीक है। यानी कि जो चीज ऑब्वियस होगी वो नोटिसेबल भी होगी ना, ठीक है। यानी कि अगर कोई चीज मैंने खुली हुई छोड़ी हुई है तो वो नजर में भी आएगी, ठीक है, प्रोमिनेंट होगी, ठीक है। तो दोनों सेम मीनिंग दे रही है। अच्छा, यानी नोटिसेबल है, प्रोमिनेंट है, कमांडिंग है, रिमार्केबल है, ड्रामेटिक है। कॉन्स्पिशुअस, कॉन्स्पिशुअस को किसमें याद करेंगे आप? इसको ना ऑब्वियस से याद कर लें। ऑब्वियस के एंड में ओ यू एस आता है और कॉन्स्पिशुअस के एंड में भी ओ यू एस आता है, ओ यू एस आता है, ठीक है। तो इस तरह आप जो है ना ऑब्वियस और कॉन्स्पिशियस, ऑब्वियस और कॉन्स्पिशियस, तो इस तरह याद कर सकते हैं, ठीक है। आई अभी करते हैं, एक्चुअली कर लेते हैं इसको। गुजैमर, गुजैमर मीन्स करेक्टराइज बाय अनयूजल लाइटनेस एंड डेलिकेसी। जो चीज़ फ्रेजाइल होती है ना उसको कहते हैं, ठीक है। इसका ना फीदर वाली मीनिंग है, मतलब कि ना ग्लास जो टूट जाता है। सॉरी, ये डेलिकेसी कॉपी हो गया, गुजैमर कॉपी करना था, ठीक है। गुजैमर से मैंने ना बेसिकली ग्लास याद किया, ग्लास, जी फॉर ग्लास, और जी फॉर यानी कोई जो चीज़ जो टूट जाए जल्दी से ना। फ्लफी, फ्लफी का भी माइनिंग में आता है, यानी फ्लफी वही होता है जो सॉफ्ट सी चीज़ होती है, ठीक है। ये इधर दूसरा मानों में चला जाता है, कॉटन की तरह ना, ठीक है। और ये यहाँ पे ना एक इसके ग्लास भी एक मीनिंग आया था, तो जी फॉर ग्लास। और ग्लास से आप इस तरह जहन में रखें कि वो फ्रेजाइल होता है, टूट जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये मीनिंग हो रहा है, ग्लास एंड गुजम्बर, ठीक है। और इसका ट्रांसपेरेंट भी मीनिंग है, इसकी और मीनिंग फ्रेजाइल है, फ्रोथी है, डेलिकेट है, ठीक है। और इसको शीयर, ट्रांसपेरेंट, ये भी सारे वही एक एक मीनिंग दिया है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज मॉकिश। मौकिश होता है वो बंदा जो चाइल्डिश होता है ना, इमोशनली जो बच्चों वाली हरकतें करता है, उसको कहते हैं मौकिश ना, ठीक है। इसको ना आप चाइल्डिश से याद करें, क्योंकि चाइल्डिश के एंड में इश आता है और मौकिश के एंड में भी इश आता है, तो उससे आपको ना चल जाएगा जो बच्चों वाली हरकतें करता है या इमोशनली जो साउंडिंग होता है ना, ठीक है। सेंटिमेंटल, स्लोपी, स्टिकी, ठीक है, ये सारे मीनिंग है इसके। तो आप चाइल्डिश से याद करेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। आई क्यों करते हैं, नेक्स्ट करते हैं हम टोपोर। टोपोर मीन्स इनएक्टिविटी रिजल्टिंग फ्रॉम लेथार्जी। टोपोर मीन्स वो बंदा जो सुस्त हो जाए या उसमें एनर्जी ना रहे काम करने की ना, ठीक है। और इसकी मीनिंग देख लेते हैं, एज इन बोर्डम और एज इन डिस्कार्ड, यानी कि लैक ऑफ इंटरेस्ट या कंसर्न शो करना, कोई उसको कंसर्न नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, ठीक है। टोपोर तो इस हम याद कर सकते हैं। इसको लगता ही लगाना पड़ेगा, इसके कोई वो नहीं बन रहा, सेंस, सेंस में नहीं बन रहा। तो पोर मीन्स लेथार्जी, लेथार्जी से याद कर लें, आपको याद हो जाएगा इसको। तो पोर एंड लेथार्जी आर द सेम, ठीक है। आप डिसरिगार्ड से याद करेंगे आपको वर्ड सेम में नहीं आएगा, लेकिन आप लेथार्जी से याद करेंगे तो आपको आ जाएगा कि जो वो बंदा जो थकन का शिकार हो, काम करने का दिल नहीं कर रहा उसको, अनकंसर्न से भी। अच्छा, नेक्स्ट करते हैं डेकोरस। डेकोरस मीन करेक्टराइज बाय गुड टेस्ट इन मैनर्स एंड कंडक्ट। डेकोरस मतलब एक पॉजिटिव वर्ड है, वो जो बंदा जो साउंड हो, ठीक है, इसके मैनर्स अच्छे हो, जेंटलमैन की तरह, ठीक है। पोलाइट, प्रॉपर, रिस्पेक्टेबल, सेटिस्फैक्ट्री, एक्सेप्टेबल, नाइस हो, फॉर्मल हो, ये वही सारे जो जेंटलमैन की होती है ना करेक्टरिस्टिक्स उसकी है, उसकी है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं डिक्टेटोरियल। डिक्टेटोरियल मीन्स
वो बंदा जो हमेशा ना कहता है कि मेरी ही बात मानो, ठीक है, डिक्टेटर जो होता है ना उसको कहते हैं, यानी कि मेरी बात मानी जाए बाकी सारे झूठ या गलत बोल रहे, ठीक है, डिक्टेटर की फॉर्म वाला वर्ड है ये, इसके नाम देख भी लेते हैं, फॉरवर्ड जेना जेनियाटिक, आर्बिट्री, ओप्रेसिव, टायरेनिक, ठीक है, अथॉरिटेरियन, ये भी अच्छा वर्ड है, जो इसका ये ज्यादा क्लोज वर्ड है इसके, अथॉरिटी जो एरोगेंट हो, ठीक है, अथॉरिटेरियन मिक्स करते हैं, और एरोगेंट भी इसका साथ नीचे दिया हुआ आई, वो करते हैं ऑडेशियस। अच्छा ऑडेशियस हमने कल पढ़ा था, ये मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट के सेंस में था, जो बोल्ड एंड कोकी वाला ही था, तो काफी सारे हमने वर्ड पढ़े थे, बोल्ड, कोकी, बैड, मतलब कि सोशली बैड बंदा जो होता है ना, कि सोशली इन अ बैड सेंस, रूड या बोल्डनेस के साथ। अच्छा बोल्ड, वाइज, ब्रेजन, इम्पोर्टेंट, फ्रेश, इंसोलेंट, ये हमने कल पढ़े थे, इंसोलेंट भी पढ़ा था, इम्पोर्टेंट भी पढ़ा था, और ये बोल्ड भी पढ़ा था, ये आप याद कर लेंगे तो आपको ये भी, ऑडेशियस भी याद हो जाए, ऑडेशियस भी उसी माना, इम्पर्टिनेंट भी पढ़ा था कल, या आई वाले वर्ड है ना, ये आपको याद होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट, इंसोलेंट और ये इम्पर्टिनेंट, ये जो मैंने काफी दफा देखे हैं, हमारे ये यूज हो रहे होते हैं। अच्छा नेक्स्ट करते हैं क्यूरलेस। अच्छा क्यूरलेस से आप, ये आसान सा वर्ड है, तो आप इसमें याद कर लें कि जो बंदा लड़ाका होता है, जो होता है ना, जैसे क्वेरल हमने पढ़ा था, क्वेरल हम पढ़ते रहते हैं कि लड़ाई लड़ाई के उसका जो इंग्लिश होती है ना वो क्वेरल होता है, तो क्वेरलस मीन वो बंदा जो लड़ाकू होता है, ठीक है, हर बात में झगड़ने वाला या हर बात में कंप्लेन करने वाला, तुमने ऐसे नहीं किया, तुमने वैसे नहीं किया, ठीक है, इसके मीनिंग भी दोबारा देख लेते हैं। रेस्टलेस, इरिटेबल, ग्रम्पी, डिसप्लीज, ठीक है, नर्वस, डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड इज अ गुड वर्ड, तो उसको रिमेंबर करो। आई न्यू करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, मेटिकुलस, बंदा जो एक्सट्रीम केयरफुली, मतलब हर चीज को लेके चलता है ना, एक्सट्रीमली केयरफुल या केयर्स के साथ लेके चलता हो चीजें ना, उनको कहते, उसको कहते हैं मेटिकुलस, ही इज वेरी मेटिकुलस अबाउट दिस थिंग, इस तरह की चीज ना, केयरफुल, डिलीजेंट, लविंग, ये थोड़ा सा पॉजिटिव वर्ड भी आता है, लेकिन कभी कभी नेगेटिव सेंस में भी आ जाता है, ये वो कुछ ज्यादा ही केयर कर रहा है, इतना ही केयर करनी भी नहीं चाहिए जितनी वो कर रहा है किसी मामले को लेकर, तो ये इट्स अ मिक्स वर्ड ना, आप डिपेंड करता है किस उसमें लहजे में यूज कर रहे हैं। देखिए इसके ना नेगेटिव वर्ड में ये भी आ रहा है, स्ट्रिक्ट है, ठीक है, और इसके अलावा क्रिटिकल है, ठीक है, ये थोड़े से नेगेटिव वर्ड में भी चला जाता है। अच्छा डिफरेंशियल, तो डिफरेंशियल का मतलब होता है शोइंग रिस्पेक्ट, वो बंदा जो दूसरों को ऑनर करे, रिस्पेक्ट दे, ठीक है, डिफरेंशियल को इस तरह याद कर सकते हैं कि वो बंदा डिफरेंट है सबसे और सबको रिस्पेक्ट देता है, ठीक है, ये हिज एन अल्फा, उसको बोलते हैं ना कि ये जो अल्फा होगा, मतलब वो सबको रिस्पेक्ट देता होगा, अच्छा होगा, नाइस पर्सन होगा, तो आप उस तरह याद कर, डिफरेंशियल का ये होता है ना, मतलब हम किसी चीज की जब डिफरेंशियल लेते हैं तो उसकी वैल्यू, वैल्यू करना, तो वैल्यू से आप याद कर लें कि वो वैल्यू करता है सबको, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट करते हैं चोरले, चोरले मीन्स चक्कल करना, हंसना, मजाक, गीगल करना, ठीक है, मतलब कि चुटकुला किसी को सुना दे तो वो बंदा हंसने लग जाए, तो उसको कहते हैं जी चोरले, तो नाम मीनिंग गीगल है और चक्कल है, लॉफ्टर है, यही सारे, स्माइल भी है लेकिन स्माइल थोड़ा दूर हो जाता, हंसना मुस्कुराना की सेंस में, ठीक है। प्रीक्लूड, अच्छा प्रीक्लूड को इस तरह याद कर सकते हैं, एक तो इसका मीनिंग देख लेते हैं, कीप फ्रॉम हैपनिंग और राइजिंग लाइक इम्पॉसिबल, प्रीक्लूड को मैं एक दफा देख लूँ जरा इसकी मीनिंग, प्रीक्लूड मीन प्रिवेंट, अच्छा इसको आप प्रिवेंट से याद करें, प्रीक्लूड है ना, तो यानी प्रिवेंट करना, प्री से आप प्री है और प्रिवेंट भी में भी प्री है शुरू में, तो आप प्रिवेंट से, लेकिन आप पहले से उसकी प्रिपरेशन कर लें और उसको बचा लें होने से ना, कोई बुरी चीज को, प्रिवेंटिंग, ठीक है, उसको कह सकते हैं आप। नेक्स्ट करते हैं इनएक्सोरेबल, इम्पॉसिबल टू स्टॉप और प्रिवेंट, अच्छा वो चीज जो होनी ही होनी होती है ना, नागुजीर जिसको कहते हैं ना, कि ये भाई अब ये 100% कंफर्म चीज है,
ये जिसके हुए बगैर ना गुजारा ना हो, इनएक्सोरेबल, इनएविटेबल, ठीक है, इनएविटेबल से आप याद करें, इनएक्सोरेबल का मतलब है इनएविटेबल, यानी दोनों में इन आ रहा है शुरू में ना, ठीक है, अनस्टॉपेबल भी है इसका मीनिंग, क्या इनस्केपेबल भी है, ठीक है, आई नो कर दें। फोर्टिशियस, फोर्टिशियस मीन वो बंदा जो फॉर्च्यून पे यकीन रखे, ठीक है, और या वो जिसका चांस, चांसेस की बात हो रही है, या चांसेस ऑफ अकरेंस, ठीक है, उसकी बात हो रही है, इसके मीनिंग भी देख लेते हैं। फोर्टिशियस, फॉर्चुनेट बंदा, ठीक है, आप उसको फॉर्चुनेट से याद करिए, इफ कि वो बंदा फोर्ट शुरू में आ रहा है, और इसमें फोर्टिशियस में भी फोर्ट आ रहा है, और फॉर्चुनेट में भी फोर्ट आ रहा है शुरू में ना, तो फॉर्चुनेट एंड फोर्टिशियस आर द सेम मीनिंग वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, इनसाइसिव, इनसाइसिव मीन हैविंग और डिमोन्स्ट्रेटिंग एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज और ड्रॉ फाइन रिस्ट्रिक्शन, इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं, एक मिनट। एसिडिक, एसिड आयरोनिकल, वो बंदा जो थोड़ा सा ना गुस्से से करवाहट से बोले ना, उसको कहते हैं इनसाइसिव, ठीक हो गया। एसिडिक, एसिड कंसाइज बोले, पोइग्नेंट भी, अच्छा ये भी एक जीआरई वर्ड है, ये पोइग्नेंट ना, और ये एसर्बिक भी, ये भी काफी आता है, पोइग्नेंट और एसर्बिक, यानी कि वो बंदा जो गुस्से से बोले, करवाहट से बोले, आयरोनिकली बोले, ठीक है, उसको कहेंगे कि जी ये पोइग्नेंट और या इनसाइसिव है। नेक्स्ट करते हैं, लैम्बास्ट भी हमने कल पढ़ा था, लैम्बास्ट का मतलब होता है चिल्लाना, चीखना, चिल्लाना, ठीक, उस सेंस में क्रिटिसाइज करने के सेंस में है, या गुस्से से ना चिल्लाना की फॉर्म में, इसके काफी सारे हमने वर्ड पढ़े थे, क्रिटिसाइज करना था, कैस्टिगेट था, स्कोल्ड था, चेस्टाइज था, ठीक है, ये देखें कैस्टिगेट भी लिखा हुआ है, और इसके अलावा अपब्रेड भी हमने कल पढ़ा था, अपब्रेड, ठीक है, लैम्बास्ट है जो अपना, ये सारे पांच या छह इकट्ठे याद कर लेना, तो आपको ये सारे इकट्ठे याद हो जाएंगे, तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा कि आपको बार बार याद नहीं करना पड़ेगा, एक ही मीनिंग है, थोड़ा सा बस एडजेक्टिव का फर्क है, कुछ कुछ ज्यादा गुस्से की सेंस में है, कुछ कम गुस्से की सेंस, लेकिन है गुस्से की सेंस में चिल्लाना है। अच्छा, नेक्स्ट करते हैं, परफिडी, परफिडी मीन्स एक्ट ऑफ डिलिबरेट बिट्रेयल, यानी धोखा देना ना, यानी ट्रस्ट को ब्रीच करना, परफिडी इज अ बैड, मतलब कि ना नेगेटिव सेंस में जाता है, कि वो बोला जो ट्रीचरस है, धोखा देने वाला हो, ठीक है, इनफिडेलिटी, एडल्ट्री, बिट्रेयल, डिसलॉयल्टी, ट्रीचरी, ठीक है, अनफेथफुल ना, इस तरह की, ठीक है, डिसेप्ट करना, डिसेप्शन भी है इसका, ये सारे बैड मतलब जो है ना वो इसकी फॉर्म में आ रहा है, धोखा दे। अच्छा, नया वर्ड इज एपथेटिक, मार्क बाय लैक ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, एक होता है एपैथी, एक वर्ड होता है, ठीक है, एपैथी मींस वो बंदा जो क्या कहते हैं कंसर्न शो करे, ठीक है, और एपथेटिक थोड़ा सा ऑपोजिट हो जाता है उसके, जो कोई उसको कंसर्न, कोई सरोकार ना हो उसके पैदल से, उसमें एक दफा में देख भी लेते हैं इसके सारे मीनिंग। कैजुअल, अनइंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड, स्टोइक, ये भी इम्पोर्टेंट वर्ड है स्टोइक ना, ये भी आता रहता है, स्टोइक है, कॉम्प्लेसमेंट है, अनक्यूरियस है, ठीक है, हाफ हार्टेड भी है। नेक्स्ट करते हैं, सॉरी, क्रिप्टिक, क्रिप्टिक मीन मिस्टीरियस या वैग कोई चीज, अनक्लियर ना, मिस्टीरियस चीज होती है, इसके भी हमने कल ना मिस्टीरियस का एक मीनिंग पढ़ा था, वो भी आता दिखाता हूँ। इनिग्मेटिक, ऑब्सक्योर पढ़ा था, हाँ ऑब्सक्योर पढ़ा था, उसका मीनिंग जो होता है ना वो यही होता है, एम्बिगुअस की फॉर्म में, मिस्टीरियस की फॉर्म में, अनकैनी भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, मिस्टिक, इनिग्मेटिकल, ये भी आता है काफी, इनिग्मेटिक, ठीक है, और इनस्क्रूटेबल, ये इनस्क्रूटेबल, मिस्टीरियस और अम्बिगुअस वैग, ये सारे एक ही मीनिंग है, ठीक है, अनक्लियर ही फॉर्म में, इनस्क्रूटेबल भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओके, कंसीड, कंसीड मींस दो मीनिंग शो कर रहा है इसके, क्योंकि तीन है, एक है अक्नॉलेज डिफीट, यानी कि जैसे गोल, बंदा एक टीम गोल कर देती है दूसरी टीम के खिलाफ, तो वो कहता है भाई इसने कंसीड कर लिया गोल ना, तो यानी कि हार एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है,
और ये इसका मीनिंग दूसरा है एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है, और वो भी सेम मीनिंग दे रहा है, अक्नोलेज डिफीट या यहाँ पे एडमिट कर लेना आप, ठीक है, और दूसरा है गिव ओवर या सरेंडर कर देना, वही मीनिंग तकरीबन सेम है आपस में ना, इसमें डिफीट के बारे में बात हो रही है, अक्नोलेज कर लेना वो इसमें बात हो रही है, एडमिट एडमिट कर लेना ठीक है कि मैंने गलत काम किया, दूसरे में क्या है सरेंडर कर देना, हाँ जी हम हार गए हैं या हम गलत थे, ठीक है, मीनिंग्स तकरीबन सेम है। अच्छा कंसीट को भी एक दफा देख ही लेते हैं, ठीक है, एडमिट कर लेना, कन्फेस कर लेना, अक्नॉलेज कर लेना, एग्री कर लेना, ठीक हो, नेक्स्ट कर लेते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब होता है ट्राइट और ऑब्वियस रिमार्क, इसके लिए मैंने तुम्हें देख लिया, क्लीशे होना, कॉमन जो चीज होती है ना उसको कहते हैं बेसिकली लैटिट्यूड, बेसिकली कॉमन चीज को कहते हैं, यानी और बनाल भी एक कॉमन वर्ड है ना, ये भी आता है बनालिटी जो है ना, समझ कॉमन जो नॉर्मल चीज हो माशरे में ना उसको कहते हैं बनाल है, क्लीशे स्टीरियोटाइप पीस का एक वर्ड होता है, ठीक है, और बनाल ये भी, ये सारे आपस में सेम है। कल्मिनेट, कल्मिनेट मीन्स रीच द हाईएस्ट और मोर डिसाइसिव पॉइंट, ऐसे कल्मिनेट मतलब एपेक्स पे पहुंच जाना, हाइट पे पहुंच जाना, यानी कि टॉप पे पहुंच जाना उसको कहते हैं कल्मिनेट, यानी कंकर कर लेना, ठीक है, कंप्लीट, फिनिश, क्लाइमैक्स, कंक्लूड, क्राउन, ठीक है, ये सारे मीनिंग है इसके, एक और कुछ और मीनिंग्स भी हैं, एपेक्स भी है, वो भी टॉप पे पहुंच जाना यानी कंप्लीट कर लेना अपना जो भी काम था, ठीक हो गया, नेक्स्ट करते हैं सुपर फ्लोज। सुपर फ्लोज मीन सर्विंग नो यूजफुल पर्पस, यानी जो सुपरफेशियल चीज होती है ना आप उसे याद कर सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, तो आप याद कर सकते हैं ऊपर ऊपर से ना, यानी ऊपर ऊपर से कोई चीज करना सर से किसी निगाह करके ना, यानी या यूजलेस से कोई चीज करना, ठीक है, एक्स्ट्रा, एक्सेस, सरप्लस, स्पेयर, अनवांटेड, अननेसेसरी, रिडंडेंट, ये सारी इसकी मीनिंग है, ठीक है, सुपर फ्लोज या एक्स्ट्रा, एक्सेस या अननेसेसरी, नेक्स्ट कर लेते हैं। न्यू वर्ड इज डिडेक्टिक, डिडेक्टिक का मतलब होता है जो वो बंदा जो लेक्चर वगैरह दे, एक मिनट दीजिएगा, वो बंदा जो लेक्चर दे या सरमन दे, ठीक है, प्रीची टाइप जो बंदा नहीं होता उसको कहते हैं, देख लेते हैं इसको भी ना, सरमोनिक जो खुतबे वगैरह के फॉर्म में, ठीक है, इंस्ट्रक्टिव, प्रीची, ठीक है, मोरलाइजिंग जो स्पीच अच्छी स्पीचेस थे मोरल मोरल्स के ऊपर ना, उसको कहेंगे डिडेक्टिक। प्री साइंस, प्री साइंस का मतलब है टू पावर टू फोरसी द फ्यूचर, मतलब कि आप पहले से जज कर लें कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है, अज्यूम कर लेना कि क्या होगा, यानी कि इसका एक मीनिंग समझ नहीं आ रहा, हाँ जी इसका मतलब है फोर साइट, मतलब पहले से जज कर लेना, सिक्स सेंस भी इसका एक मीनिंग है कि आपको पता होगा क्या होने वाला, ठीक हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज इश्यू, इश्यू मीन्स अवॉइड करना या स्टे अवे फ्रॉम डेलिबरेटली या स्टे क्लियर ऑफ, ओके, इश्यू मीन्स अवॉइड, इश्यू अवॉइड ग्रेट स्केप, या आप इसको स्केप से याद कर लें, इस स्केप में इस आता है शुरू में, इशू में भी इस आता है, तो स्केप एंड इशू आर द सेम मीनिंग। नेक्स्ट पर अच्छा ये हमने पढ़ा था वर्ड इम्पोर्टेंट ना, अभी पहले पहले ही आया था इम्पोर्टेंट, इंसोलेंट, इम्पर्टिनेंट, ये तीन जो आई के वर्ड है ना ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है, या इसके एक और मीनिंग था बोल्ड होना, ठीक है, ये आपने ना याद इकट्ठी कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, एक एक करके ना कीजिएगा टाइम लगेगा, इकट्ठे आप जैसे एक खोल लें ना जैसे इम्पोर्टेंट, उसके बाद साथ ही इंसोलेंट भी याद कर लें, इम्पर्टिनेंट भी याद कर लें, कॉकी भी याद कर लें, बोल्ड भी याद कर लें, इस और ये ऑडेशियस भी हमने पढ़ा था आज, ये सारे इकट्ठे ही हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं, मिटिगेट करने का मतलब होता है सूद करना, ठीक है, काम करना, ठीक है, इजी मेक थिंग्स इजी, ठीक है,
इसकी मीनिंग देखना, एलिविएट रिलीव करना, हेल्प करना, सूद करना, ईज करना, सोफन करना, ठीक है, क्योर, मॉलिफाई। अच्छा मॉलिफाई भी एक जो वर्ड है ना, ये भी इसके सिमिलर है, मतलब सूद करने के हिसाब से ये भी आता रहता है, ये भी इम्पोर्टेंट है मॉलिफाई। ये भी हमें नेक्स्ट आप कोई पढ़ेंगे ना वो कैब में, उसके अंदर आएगा ये कॉमन वर्ड में। अच्छा, इसके एक और मीनिंग होता है प्लेसेट करना, वो भी सूद की फॉर्म ही होता है। रस्टिक, रस्टिक मीन्स रूरल लाइफ, मतलब कि जो लाइफ होती है ना गांव की, उसको कहते हैं रस्टिक। इसको ना आप उससे भी याद कर सकते हैं, एक और वर्ड मेरे जहन में नहीं आ रहा, बी से फर्स्ट शायद, एक नहीं वो आया नहीं इसमें। अच्छा, यानी कि जो देहाती होते हैं उनको ही आप कह सकते हैं कि पीजेंट में वुडन रूरल एरियाज। हाँ, बी से ये वर्ड था बुकोलिक, ये भी आता रहता है। बुकोलिक एंड रस्टिक आर सेम, यानी कि जो या वो बंदे जो गांव के हैं या वो गांव को ही आप कह दें। जी क्वेश्चन पूछें। सर, आपके पास ये जो मुगोश का क्या लिंक है, ये आपके पास पेड अकाउंट है या फ्री अकाउंट है? सर, नहीं, ये जो वोकेबलरी है हम करेंगे फ्री ही है ओवरऑल, इसको आप बस लॉगिन करें आपके और आप स्टार्ट करें। चले मैं उसको आपको दिखा भी देता हूँ, आपको भी कैसा करना है, सेशन खत्म होने से पहले ना मैं आपको ठीक। दिखा भी दूंगा कि मतलब किस तरह खोलने हैं। ठीक है, हाँ, क्योंकि मैं मेरे इसको रिमाइंडर आ ओपन कर जाए। रहा हूँ तो वो साइन चले अप पे मैं वो। आपको अभी खोल के ना दिखा भी दूंगा। ठीक है, इसको मैं लॉग आउट करता हूँ अभी, ठीक है, और इसको मैं लॉग इन कर लेता हूँ। ठीक हो गया, और मैं इसको ये वाले अकाउंट से लॉग इन कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, आपने क्या करना है, ये रिसोर्सेज देख रहे हैं ऊपर, ये रिसोर्सेज हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको क्लिक करेंगे और इसके अंदर यहाँ पे वोकेबलरी ना फ्लैश कार्ड्स के नाम पे आ रहा होगा, ये नज़र आ रहा है आप लोगों को, ठीक है, इसको क्लिक करेंगे और फिर आपने या इसकी ऐप डाउनलोड कर लें या यहाँ पे अगर हमने ऑनलाइन पढ़ना तो यहाँ पे स्टार्ट स्टडिंग ऑनलाइन पे क्लिक करना और यहाँ पे आपके और बर्ड्स खुल जाए, क्योंकि ये फ्री है, कोई भी पैसे नहीं लगते इसमें। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। रिकोंडाइट, रिकोंडाइट को सर्च कर लेते हैं। डिफिकल्ट टू पेनिट्रेट या डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड, ठीक है, एम्बिगुअस सी चीज़ होती है उसको कहते हैं रिकोंडाइट। रिकोंडाइट, इजोटेरिक प्रोफॉर्म, अच्छा इसके भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहे हैं, ये आते रहते हैं। इजोटेरिक, आर्केन, प्रोफाउंड, एब्स्ट्रूस, ठीक है, ये सारे सेम मीनिंग, एम्बिगुअस भी। इजोटेरिक, प्रोफाउंड, एब्स्ट्रूस, आर्केन और एम्बिगुअस, ये पांचों याद होने चाहिए। रिकोंडाइट, इजोटेरिक, प्रोफाउंड, एब्स्ट्रूस, आर्केन, एम्बिगुअस। नेक्स्ट करते हैं, ग्लट, ग्लट मीन एक्सेस ऑफ सप्लाई, हो गया एक्सेस ऑफ सप्लाई, अबंडेंस भी कह सकते हैं। स्टफ होना, जॉर्ज होना, सरप्लस होना, यहाँ पे इसका एक सरप्लस मीनिंग है, ओवर अबंडेंस, ओवर सप्लाई, और एक मीनिंग है एज इन टू स्टफ, इन टू फिल विद फूड टू कैपेसिटी, यानी कि किसी चीज के डब्बे शब्बे के अंदर ना चीजें पूरी स्टफ कर देना, चीजें भर देना, फिल कर देना, ठीक है। और इसका एक और मीनिंग है डिवोर, डिवोर मीन्स गल्प करना, इनहेल करना, ठीक है, आप इसके इस तरह भी आ सकते हैं, गल्प गल्प एंड ग्लट सेम है, यानी कि स्वेलो कर जाना ना, ठीक है। नेक्स्ट, गाल को, गाल है, गाल का मतलब ग्रज रखना, ठीक है, या रूड होना किसी के साथ, तो गाल से आप ग्रज से याद कर लें तो आपको याद हो जाएगा, जी फॉर गाल एंड जी फॉर ग्रज। ओके, मैं आपको मीनिंग भी दिखा देता हूँ। हॉस्टिलिटी, ग्रज रखना, बिटरनेस, गुस्से से बोलना, ठीक है, और हेटेड, ये सारे इसके मीनिंग है। इसके और भी मीनिंग है, नर्व, एरोगेंस, ऑडेसिटी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ऑडेसिटी। और इसके वर्ब में है वेयर, इरोड, रब, फ्री, और इसके और मीनिंग आ रहे हैं, बॉदर करना, तंग करना, ठीक है, इरिटेट करना, ठीक है, तो ये सारे इरिटेट नीचे भी है इसका मीनिंग। नेक्स्ट करते हैं, गाल सो, गाल को ना आप ग्रज से याद रखें तो याद हो जाएगा।
रस्टिक दोबारा आ गया है, रस्टिक में वैसे पढ़ा था। रस्टिक मीन्स वो बंदा जो रूरल लाइफ गुजार रहा हो या गांव में रहता हो, इसका एक और मीनिंग था बुकोलिक। ठीक है, रूरल बना, इसका आप एक और मीनिंग था बुकोलिक। ठीक है, जो हमने पढ़ा था कि वो गांव का एरिया जो होता है ना उसको कहते हैं, ठीक है, या गांव के रहने वाले लोगों को। डिफिडेंट, डिफिडेंट मीन्स शोइंग मोडेस्टी, ठीक है, या वो बंदा जो इसके अंदर कॉन्फिडेंस ना हो। ठीक है, डिफिडेंट, डिफिडेंट, ओके, इसको भी सर्च कर लेते हैं। शाय होना, विड्रॉन करना, बैशफुल, या और मॉडेस्ट की फैमिली भी है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। इन जेंडर में मीन्स टू गिव राइज टू, ठीक हो गया, इन टू गिव राइज टू, इसको भी सर्च करना। इन जेंडर मीन्स टू क्रिएट, जनरेट, कॉज, ब्रिंग, प्रॉम्प्ट, प्रोड्यूस, ठीक है, ओरिजिनेट भी है, एज इन टू ओरिजिनेट, सही हो गया। नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, डॉगमेटिक, डॉगमेटिक का मतलब होता है हाईली ओपिनियटेड, वो बंदा जो कहता है कि जी मैं ठीक हूँ और मेरी ही बात मानी जाए। ठीक है, उसको कहते हैं डॉगमेटिक। उसके मीनिंग और देख लेते हैं हम। ओपिनियटेड है, और उसके एडामेंट, एडामेंट भी काफी इम्पोर्टेंट वर्ड है, ये भी आता रहता है। और रिजिड वो है, ठीक है, ऑब्स्टिनेट भी है। ये ऑब्स्टिनेट और स्टबर्न जो है ना, यानी वो बंदा जो काफी ओपिनियटेड है कि मेरी उसके अपने ओपिनियन है, यानी ही स्टिक्स टू इट। नेक्स्ट, इसको वोलुबिलिटी, वोलुबिलिटी द क्वालिटी ऑफ टॉकिंग, राइटिंग इजिली एंड कंटिन्यूअसली। अच्छा, वोलुबिलिटी का ना वोकल से याद कर लें, वी फॉर वोकल एंड वी फॉर वोलुबिलिटी, इसका मतलब है जो ज्यादा बोलने वाला होता है ना उसको कहते हैं टॉकेटिव को कहते हैं, उसे याद याद कर। ठीक है, नेक्स्ट मीन्स कुल्पाबिलिटी, कुल्पाबिलिटी मीन्स गिल्टी, वो बंदा जो पछता रहा हो कि कोई गलत चीज करके ना, तो कहते हैं कुल्पाबिलिटी। कुल्पाबिलिटी ब्लेम करना, गिल्ट करना, ठीक है, फॉल्ट होना किसी का, कंडेम करना, अक्यूज करना, रिग्रेट करना। नेक्स्ट करते हैं गेंजे, गेंजे मीन्स टू डिनाई और कॉन्ट्राडिक्ट, ठीक है, अपोज करना, कॉन्ट्राडिक्ट करना। नेक्स्ट करते हैं इंट्रेंच्ड, इंट्रेंच्ड मीन्स टू बी इमर्सिव, मतलब कि किसी रूटेड, जो डीपली रूटेड चीज होती है ना, कि उसके अंदर जैसे सपोज भरे हुए ग्लास के अंदर आप कोई चीज डाल दें तो वो नीचे बैठ जाती है, तो इंट्रेंच्ड मीन सबमर्ज हो गई, ठीक है, उसको कहते हैं। ठीक है, इसके भी आपको मैं मीनिंग दिखा देता हूँ। इंट्रेंच्ड गहराई वाली चीज को भी कह सकते हैं, ठीक है, डीप रूटेड, रूटेड, इंट्रेंसिंग, ठीक है, डीप, इनवेटरेट, ये भी इम्पोर्टेंट वर्ड है, इनवेटरेट। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। बनाल, बनाल का मतलब अभी हमने पढ़ा था, कॉमन चीज होती है ना, काफी क्लिशे चीजों टाइप, ठीक है, वो जो काफी बार रिपीट हो जाए, कॉमन हो, तो उसको कहते हैं बनाल। देखा, दिखा देता हूँ आपको, क्लिशे है इसका मीनिंग है, और स्टीरियोटाइप भी इसके मीनिंग में आ जाता है, बोरिंग भी आ जाता है, डल आ जाता है, आई थिंक क्लिशे नीचे है इसका, स्टीरियोटाइप। और एक और वर्ड है हैकनेड, हैकनेड भी जो है कॉमन चीज को कहते हैं, क्लिशे को कहते हैं। जर्मेन, जर्मेन मीन्स वो बंदा जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं या वो रेलेवेंट हो, रेलेवेंट टू अस, इस तरह हम कुछ कह सकते हैं इसको। ठीक है, कैन बी कंसिडर्ड के फॉर्म में, रेलेवेंट, एप्लीकेबल, पर्टिनेंट, अच्छा इम्पोर्टिनेंट जो था वो नेगेटिव था, पर्टिनेंट जो है पॉजिटिव है या अप्रोप्रिएट भी है। ठीक है,
नेक्स्ट वर्ड इज एग्जासर्बेट. एग्जासर्बेट मीन्स वर्सन, टू मेक थिंग्स वर्स. एग्जा, आप इसको ना एग्जा मतलब एक्स्ट्रा से याद करें, एग्जा मीन एक्स्ट्रा, और सर्बेट को आप किसी तरीके से याद कर लें. एग्जा मीन्स टू समथिंग एक्स्ट्रा, टू मेक वर्सन, ज्यादा कोई चीज वर्सन आपने कर दी उसको कहेंगे एग्जासर्बेट. ठीक है, इसके भी मीनिंग देख लेते हैं साथ ही. एग्जासर्बेट मीन वर्सन, डीपन, एग्रावेट, इंटेंसिफाई, कॉम्प्लिकेट, सारे इसके मीनिंग. नेक्स्ट करते हैं एस्थेट. एस्थेट मीन्स वो बंदा जो एस्थेटिक हो या सेंसिटिव हो या थोड़ा सा अच्छा हो, ब्यूटीफाई कोई चीज जो होती है ना, उसको कहते हैं एस्थेटिक की फॉर्म में ही है इसका मीनिंग ना. अच्छा इसका मीनिंग है द वर्ड इज इन सोर्स, चेक कर लेते हैं इसको, फाउंडेशन भी चेक कर लेते हैं. वन हैविंग और अफेक्टिंग सेंसिटिविटी इन द ब्यूटीफुल स्पेशली इन आर्ट, यानी कि ब्यूटीफाई कोई चीज, जो ब्यूटीफुल चीज होती है उसको कहते हैं एस्थेट, एस्थेट पेंटिंग. ठीक, नेक्स्ट करते हैं वोसिफरस. अच्छा इसको भी आप इसी तरह याद करें वोकल से ना, आपको याद हो जाएगा. वोकल मीन्स वो बंदा जो ज्यादा बोलता हो, लाउड बोलता हो. वोसी और वो वोकल जो है ना, इसमें VOC कॉमन है, तो आप इस समय इसको याद करेंगे आपको याद हो जाएगी. जो ब्लंटली बोले, ज्यादा ऊंचा बोले, वो आप इस तरह याद कर सकते हैं, इसको भी देख लेते हैं. आउटस्पोकन, वोकल, ब्लैट एंड नॉइजी. ठीक है, वोकल से याद करेंगे याद हो जाएगा. रेटिसेंट, रेटिसेंट मीन जिसको जिसको जो अनइंटरेस्टेड हो ना, उसको कहते हैं रेटिसेंट. ओके, इसको देख लेते हैं. साइलेंट होना, रिजर्व्ड होना, रिलेक्टेंट होना, क्वाइट होना, प्रूडेंट होना, ये क्लोज माउथ, अनकम्युनिकेटिव. ठीक है, टैसिटन भी इसका एक वर्ड है, और ये भी हमने शायद कल पढ़ा था, टैसिटन. ठीक है, लेकोनिक भी है इसका वर्ड ना, टैसिटन एंड लेकोनिक. अच्छा भूगोलिक आ गया है, हमने पढ़ा था भूगोलिक, वो मतलब जो गांव देहाती या होते हैं ना, गांव वाले एरिया से, वो कहते हैं भूगोलिक. एस्थेटिक है, एस्थेटिक मतलब ब्यूटीफाई कोई चीज, जो कोई चीज ब्यूटीफुल हो या अट्रैक्टिव हो उसको कहते हैं एस्थेटिक. ठीक है, अप्रिसिएट, अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, सही हो गया. या वैसे भी पता होगा आप लोगों को इस चीज का, एस्थेटिक का. नो कर देते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज प्री डायलेक्शन. प्री डायलेक्शन मीन्स अ स्ट्रॉन्ग इंक्लाइन टूवर्ड्स या लाइकिंग होना. ठीक है, आप इसको इस तरह आ सकते हैं कि आपको किसी तरफ डायरेक्शन से याद कर लें कि आप किसी तरफ डायरेक्टेड है. ठीक है, इंक्लाइन है, तो उससे याद कर सकते हैं कि आप किसी तरफ डायरेक्टेड होते हैं, इसका मतलब आप उसको स्ट्रॉन्गली लाइकिंग है आप, इस तरह आप याद कर लें उसको. ठीक है, इसको भी एक तो मीनिंग देख लेते हैं. टेंडेंसी, इंक्लिनेशन, एप्टीट्यूड, किसी की तरफ टेंडेंसी होना किसी चीज की, या इंक्लाइन होना, अफिनिटी होना. ठीक है, एडिक्शन होना भी है थोड़ा सा, ठीक होगा. एपिटाइट होना, ये थोड़ा टू बढ़ता है एपिटाइट, ये टेंडेंसी इंक्लिनेशन से याद करें. ओके, नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्सक्योर. अच्छा ऑब्सक्योर भी हमने पढ़ा था, वो एम्बिगुअस सी कोई चीज होती है ना, मिस्टीरियस, ऑब्स और ये एम्बिगुअस होना जो चीज है ना, उसको कहते हैं. ये अभी हमने पढ़ा भी था, किसी की मीनिंग में आया था एम्बिगुअस होना. क्रिप्टिक हमने पढ़ा था, क्रिप्टिक के अंदर आया था एम्बिगुअस होना, मिस्टीरियस होना, इजोटेरिक होना. ठीक है, ये सारे आर्केन भी है. चलिए नेक्स्ट करते हैं. फ्रिवलस. फ्रिवलस मीन्स नॉट सीरियस इन कंटेंट और एटीट्यूड और बिहेवियर, वो बंदा जो सीरियस ना हो किसी चीज में ना, वो कहते हैं फ्रिवलस. इसको भी देखते हैं. स्मॉल, लिटिल, ट्रिवियल, अनइम्पोर्टेंट चीज को भी कह सकते हैं. और दूसरे में सिली, सिली, गूफी, फ्यूटाइल, गिडी, प्लेफुल, या लैकिंग इन सीरियसनेस और मेच्योरिटी, जिसके अंदर मेच्योरिटी ना हो उसको हम कह सकते हैं फ्रिवलस बंदा. ठीक है, और दूसरे हमारे में माइनर, यानी कि छोटी चीज जो होते हैं, लैकिंग इम्पोर्टेंस,
उसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं, तो ये मगोज का अपना मैंने वर्ड दे दिया, ठीक हो गया। नेक्स्ट करते हैं कुछ, अच्छा हमारे इसके वर्ड पूरे हो गए हैं, तो एक काम करते हैं, इसे कोई क्वेश्चन है रिलेटेड तो नहीं, तो हम फिर नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं वो कॉमन वर्ड ना, जितने हो गए फिर। अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, मैं आंसर कर देता हूँ। सर ये तो मतलब क्या देख रहे हैं वर्ड्स और इसका सिनोनिम देख रहे हैं, तो ये यार मतलब तरह या मतलब कि याद रट्टा मारने वाली चीज़ है ये, या मतलब कि कदम पढ़ते हैं। आप इसको ना बार बार देखेंगे ना, आपको याद हो जाएंगे। या दिन में जब भी फ्री टाइम हो ना, हम इनको खोल के बैठ जाएं, आप इनकी ऐप डाउनलोड कर लें और उसको खोल के बैठ जाएं और बार बार इनको देखेंगे, आप याद हो जाएंगे। और कोशिश करें कहानी बनाकर याद करें तो आप याद हो जाएंगे, किसी चीज़ से रिलेट करके याद करें। रट्टा कोशिश करें जितना कम हो सके ना करें, क्योंकि तो कुछ वर्ड होते हैं जिसको आप रट्टा ही मार सकें, तो उसमें ना और ज़्यादातर में होगा कि आप कहानी बना के याद कर पाएंगे उसको, ठीक है, तो आप याद हो जाएंगे फिर। जैसे कि मैं आपको जैसे बताया कि वो इश्यू एक वर्ड था, इश्यू में ई एस आ रहा था और उसका मीनिंग होता है इसकेप करना, ठीक है, या भागना किसी चीज़ से ना, तो आप इश्यू और इसकेप को इस तरह याद कर लें। अब लेकिन कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें कोई सेंस बनने नहीं रही होती, तो उनको आप रटा मारना पड़ेगा, लेकिन कोशिश करें कि मिनिमाइज उसको करें और किसी चीज़ से कहानी बनाकर याद करें तो आप याद करें। और इसको ना देखिए क्योंकि ये भूल जाते हैं, ये साथ साथ आपने लेके चलनी चीज़ें, वरना आप ऐसा करेंगे सिर्फ क्वांटिटी लेके चलते रहेंगे और इनको भूल ना करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, तो आपको क्या होगा कि पेपर आपका फिर सही तरीके से होगा नहीं, ठीक है। लेकिन इसको साथ लेके चलना है क्योंकि वो वोकैबुलरी जो है ना ब्रेन टेस्ट होता है, ठीक है, ब्रेन जितना आपने पहले प्रैक्टिस, इसको क्या कहते हैं साथ साथ लेके चलना है ताकि आप इसके साथ साथ होती रहे, वरना आप ये 2 महीने पहले करके बैठ जाएंगे और फिर पेपर में जाएंगे ना, तो आपको आपको लगेगा कि मैंने तो 2 महीने पहले सारे पढ़ लिए हैं, लेकिन आप वो भूलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना इन प्रैक्टिस के साथ जो है ना लेके चलनी, साथ आखिरी आखिरी दिन तक आपको ये ना वोकैबुलरी रिवाइज करनी, इसके बगैर गुजारनी, ठीक है। और नंबर आप क्वांट में तो इंशाल्लाह तो ले लेंगे, ठीक है, तैयारी इंशाल्लाह तो अच्छी हो जाएगी उसकी, ठीक है। और बाकी जो आपने नंबर सिक्योर करने हैं वो इसमें से करने हैं, ठीक है, वर्बल में से। वर्बल के भी 40 मार्क्स हैं, ठीक है, तो 40 मार्क्स जो इनमें से अगर आप 25-20 टारगेट करें ना और बाकी क्वांट में से जितने मैक्सिमम लें, तो आपका बहुत अच्छा रिस्पेक्टेबल स्कोर आ जाएगा, ठीक है। 20 में इसलिए कह रहा हूँ कि मिनिमम बेर मिनिमम होना चाहिए वो कैब में ना, लेकिन 20 जो अगर आप 30 तक ले जाएं तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी वोकैबलरी अच्छी है तो आप वोकैबलरी पे भी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा ताकि और अच्छे नंबर आ सकें, लेकिन क्वांट पे बेसिक फोकस होना, क्योंकि वो नंबर लूज करने वाले नहीं। इसमें तो ये होगा कि आप थोड़ा सा कुछ मिन आप कुछ सवाल पढ़ेंगे वर्बल में, कुछ मीनिंग आ रहे होंगे, कुछ नहीं आ पता, इसका नहीं पता, तो इसका प्रोबेबली ये आंसर होगा, तो इस तरह आप करके ना कर सकते हैं। उसमें होता है उसका आंसर तो आपको पता होना चाहिए ना, कि आप क्वांट तो ऐसी मैथ तो ऐसी चीज़ है जिसको आपको पता वही आंसर है इसका, ठीक, कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो, लेकिन वर्बल में थोड़ा सा डिफिकल्टी आ जाती है, जितनी वोकैबुलरी होगी उतना ही बेनिफिशियल होगा। तो क्वांट में ज्यादा नंबर लेने हैं, कोशिश करें क्वांट पक्की हो, ठीक है, 35-36 तक नंबर आए वो बहुत बेहतर होगा। उसके बाद अगर आप सिर्फ 20 नंबर इसमें ले लें तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा, ओवरऑल 315-320 तक ना टच कर गए फिर आप, और आपका फिर एडमिशन इंशाल्लाह तला हो जाएगा मेजोरिटी यूनिवर्सिटी सर। में, ठीक है। किसी और कोई क्वेश्चन है तो वरना हम फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट कर लेते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट वर्ड इज जिंगोइज्म। जिंगोइज्म का मतलब होता है फैनेटिकल पैट्रियोटिक, अच्छा वो बंदा जो पैट्रियोटिक होता है, ठीक है, उसको कहते हैं जिंगोइज्म। डिवोटेड जो होता है ना अपने कंट्री के साथ, ठीक है, नेशनलिस्ट उसको कहते हैं पेट्रियोजम, पेट्रियोजम और है नेशनलिज्म, ये सारी ये दोनों वर्ड इसके आ रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट करते हैं, इलूसीडेट। इलूसीडेट मींस मेक क्लियर, अच्छा एक होता है लूसिड, सिंपल एक वर्ड होता है लूसिड, लूसिड का मतलब होता है अनक्लियर, जब उसके पीछे ई लग गया ना इसका मतलब होता है वो चीज क्लियर हो गई है, यानी कि ई ई का मतलब है थोड़ा नेगेटिव उससे हो गया, ठीक है, तो इलूसिड का मतलब है क्लियर चीज या मेक इजियर टू अंडरस्टैंड ना, तो
तो आप इस तरह याद करें इसको, लूसिड का अगर आपको याद हो गया तो मेरा कोई लूसिडेट भी याद रहेगा। ठीक है, हॉटी, हॉटी मीन्स हैविंग और शोइंग एरोगेंट सुपीरियोरिटी, इसके भी मीनिंग देख लेते हैं। एरोगेंस ही शो करना, ठीक है, बोल्डनेस थोड़ा सा भी यार। कुछ वर्ड शो नहीं करेगी, एरोगेंट होना, प्राउड होना, ठीक है, या सुपीरियर समझना अपने आप को, डिसडेनफुल, प्राइडफुल, एरोगेंट, कैवेलियर, स्मग, ये भी है। हैं काफी वर्ड इसके ना एरोगेंट की प्लेस होने में। नेक्स्ट करते हैं, हॉटी मींस एरोगेंट, ठीक है, ट्रीचर्स नेक्स्ट वर्ड है, इसका मतलब चीट करना, ठीक है, या चीट कर रहा है, ठीक है, तो बिट्रे की फॉर्म में। नेक्स्ट करते हैं, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल मींस नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, उसकी कॉफी, उसकी कोई मीनिंग नहीं लगा, इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है, यहाँ पता है काफी, ये तो काफी हमने यूज किया होगा पहले भी, नेग्लिजिबल, ठीक, इनसिग्निफिकेंट होना, मीनिंगलेस होना, स्मॉल होना। पनाके, पनाके मीन्स डिस्टिंक्टिव एंड शोई एलिगेंस, ठीक है, पनाके मीन्स जो क्या कहते हैं इसको, आप उस समय याद कर लें, जो बंदे रैंप वॉक वगैरह करके आते हैं ना, कपड़े वगैरह पहन के शोज में जो आते हैं, तो वो एक एलिगेंसी और कपड़े वगैरह पहन के आते हैं ना, तो उसको आप उस समय से रिलेट करके याद करें, ठीक है, डिस्टिंक्टिव वे में ना, उसकी अच्छे मतलब अच्छा लग रहा है वो, एलिगेंसी के फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, सरकमवेंट, सरकमवेंट का मतलब होता है क्लेवरली टू फाइंड अ वे आउट ऑफ ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन, तो एस्केप करने के फॉर्म में है ये सरकमवेंट, ये मतलब अपनी जिम्मेदारियों से भागना हो, ठीक है, बाईपास करना, अवॉइड करना, इवेड करना, एस्केप करना, ये सारे मीनिंग है इसके, सरकमवेंट, सही है। नेक्स्ट करते हैं, डिसअफेक्टेड, डिसअफेक्टेड मीन अनअफेक्टेड, ये हमें पता ही है, या डिसकंटेंटेड टुवर्ड्स अथॉरिटी, या हमें ना बुरी चीज लग रही कि हमें फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, ना खुशी का भी इजहार करना, उसको भी डिसअफेक्टेड कह सकते हैं, ठीक है, कोई देख लेते हैं, डिसअफेक्टेड मींस रिजेंटफुल, डिसकंटेंटेड, मेल कंटेंट, एंग्री, मतलब गुस्सा होना कि भाई ये उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से कोई चीज नहीं, उसको कहते हैं ठीक है डिसअफेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, डेलिनेट, डेलिनेट मीन डिस्क्राइब इन डिटेल, अच्छा डेलिनेट को आप समझ आते हैं, डिस्क्राइब से डीई और डिस्क्राइब में भी डीई आता है, तो डिस्क्राइब इन डिटेल ना, समरी के ऑपोजिट, समरी में तो कंसाइज होता है ना, डेलिनेट में टू मतलब एक्सपैंड करके थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिखना या बताना। रेवस्टी, रेवस्टी मीन एन अब्सर्ड प्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग या मॉकरी, ओके, मजाक उड़ाने के सेंस में ये शो कर रहा, फिर मीनिंग देख लेते, ट्रेवस्टी मीन्स जोक करना, ठीक है, शैम करना, पैरोडी करना, ठीक है, मतलब मजाक उड़ाने इसमें ये है, स्पूफिंग में भी यही है, स्पूफ का मतलब ये होता है पैरोडी करना ना, नकल उतारना। अच्छा एफीमरल का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड, छोटी सी चीज होती है, थोड़ी के लिए जो लॉन्ग लास्टिंग ना हो, इसको कहते हैं एफीमरल, ठीक है, इसको इसको किसी तरह का शॉर्ट लिफ्ट चीज फॉर्म में याद करें। फलेशियस, फलेशियस मीन ऑफ अ बिलीव दैट इज बेस्ड ऑन फॉल्टी रीजन, फलेशियस को ना फॉल्टी से याद करते तो आपको याद हो जाएगा, फलेशियस मीन्स फॉल्टी, इसके भी मीनिंग देख लेते हैं, फलेशियस के, फलेशियस मीन इलिजिटिमेट, मिसलीडिंग, अनरीजन, इलॉजिकल, इलॉजिकल होना, इरेशनल होना, मतलब कि उसकी कोई लॉजिक नहीं बन रही, आपने फॉल्टी बेसिक कोई चीज होती है, ठीक है, जिसकी बिना फॉल्टी, फॉल्टी
बिलीफ को कहते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, रूडिमेंट्री मीन्स एलिमेंट्री, ठीक है, मतलब इनिशियल फेजिस में जो होता है ना, उसको कहते हैं रूडिमेंट्री। अच्छा, इसको आप एलिमेंट्री से याद करेंगे, आपको याद हो जाएगा जल्दी। ठीक है, रूडिमेंट्री मीन्स एलिमेंट्री, या इनिशियल स्टेजेस पे कोई चीज होती है ना, स्टार्टिंग वाला काम, उसको कहते हैं रूडिमेंट्री। अच्छा, इसके भी मीनिंग देख लेते हैं। रूडिमेंट्री, प्रिमिटिव होना, सिंपल होना, ठीक है, और ये है बेसिक में फॉर्म है, एलिमेंट्री, इंट्रोडक्टरी, फंडामेंटल, बेसिक। ठीक है, ये आप इससे याद करेंगे ना, एलिमेंट्री से, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। बेसिक सी जो चीज होती है ना, उसको कहते हैं, न्यू करते हैं। डिनोट करना, डिनोट का मतलब है बी आ साइन ऑफ इंडिकेशन ऑफ, डिनोट तो हमें पता ही है कि आप किसी चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, ये जो इसका वो जो डिनोशन होती है ना, कि आप जैसे कि फॉर्मूला लिख रहे होते हैं, तो आप फोर्स का फॉर्मूला तो डिनोट करते हैं उसको एफ से ना, तो उसको डिनोट करना उस सेंस में। इटिनरेंट, इटिनरेंट मीन्स ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अच्छा, इटिनरेंट का मतलब है जो बंदा इधर से उधर मूव कर रहा हो, ठीक है, तेरा ठिकाना जिसका ना प्रॉपर ना हो। इमिग्रेंट की फॉर्म में याद कर सकते हैं आप माइग्रेंट, ठीक है, नोमैडिक, नोमैड, ये भी इसके वर्ड है। वॉन्ड्रिंग भी, आप वॉन्ड्रिंग से याद करने, याद करेगा मतलब ये जो इधर उधर भटकता रहता। ठीक हो गया। रिफ्रैक्टरी, रिफैक्टरी मीन्स स्टबन या रेजिस्टेंस, यानी कि वो बंदा जो जिद्दी हो, स्टबन हो, ठीक है, को कहते हैं रिफैक्टरी। अच्छा, इसको आप रिबेलियन से याद करें, रिफैक्टर एंड रिबेल सेम मीनिंग है। रिबेल करना यानी कि वो चीज है उसको अपोज करना, डिसोबीडियंट होना, ठीक है, तो ये मीनिंग है। ओके, एंड इसके अलावा हम वो देख लेते हैं, इसके स्टबन में देख लेते हैं, स्टबन में भी वही मीनिंग आ रहे हैं, रिकॉल्सिट्रेंट, ठीक है, ये भी है, इसका मीनिंग रिबेलियस। इसको आप बेसिकली रिबेलियन से याद करें ना, तो आपको याद होगा आर ई और आर ई रिबेल एंड रिबेल सेम मीनिंग है, ठीक है, अपोज करना। ठीक हो गया, नेक्स्ट करते हैं। सप्लांट, सप्लांट मीन्स टू टेक प्लेस फ्रॉम, उसकी पोजीशन से ना उसको मूव कर देना, ठीक है। अच्छा, इसको आप इसमें याद करें कि जैसे प्लांट को आप लगाते हैं पहले छोटे से जगह पे ना, और उसको फिर आप मूव करते हैं किसी बड़ी जगह पे, तो यानी कि आपने उसकी जगह मूव की, ठीक है, तो आप उससे याद कर लें सब प्लांट को ना, आपको याद हो जाएगा, यानी कि आपने पहले प्लांट किया छोटा सा एक गमले में, उसको गमले को फिर आपने बड़े जब वो बन गया, तो आपने उसको किसी और जगह ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, उसी जगह को कम पड़ी थी, तो आप उसको इस समय याद करें तो याद हो जाएगा, ठीक है। टेक प्लेस और मूव इनटू द पोजीशन ऑफ, ठीक है, उसकी जगह आपने चेंज कर दी। नेक्स्ट करते हैं। स्टिल लोडिंग, जब उसी देखिए से कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, ये लोड हो रहा है, एक मिनट इसको मैं बैक करके दोबारा, आवाज तो आ रही है ना मेरी। जी सर, आपकी आवाज आ हेलो, रही आवाज आ है। रही है मेरी? जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। तो इंटरनेट मेरे ख्याल से स्लो हुआ है, इसलिए वो लोड होने में टाइम लगा रहे हैं। चलिए नहीं, कंटिन्यू करते हैं सेशन होने वाला है।
वो भी हम कर लेंगे साथ। सर एक क्वेश्चन ये है कि मतलब कि इसकी जो वोकैब वर्ड्स वाले सेक्शन में उसमें इतने ही मुश्किल वर्ड्स आते हैं या इजी होते हैं? सरफराज आपका क्या क्वेश्चन है, दोबारा पूछें। मेरा क्वेश्चन ये है कि इसका जो मतलब कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो पेपर में भी इतने ही मुश्किल वर्ड्स आ रहे होते हैं या आसान होते हैं इसके मुकाबले में? जी आपके जो ये जो वोकैब है ना, इन्हीं यही वर्ड्स हैं जो आपके पास वर्बल पोर्शन में आ रहे होते हैं, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आते होंगे तो आप वर्बल पोर्शन अटेम्प्ट नहीं कर सकते, उसकी इंग्लिश सिंपल नहीं है, उसके लिए आपको ये सारे आपको याद होने चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम वर्बल को भी टच करेंगे तो आपको फिर आइडिया हो जाएगा कि ये सब वर्ड्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं। ये स्पेसिफिकली जो आपके पास यूज हुए हुए हैं ना, उसमें जो वर्बल में आते हैं उसी से रेलिवेंट हैं ये सारे फ्लैश कार्ड्स हैं। अगर आप ये कर लें तो आप वर्बल इजीली कवर कर सकते हैं। ओके सर, का तो आई गेस इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया और मीटिंग का भी ऑलमोस्ट टाइम खत्म हो गया, तो हम लोग इंशाल्लाह इसको कल कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। चलिए मैं मीटिंग को एंड कर रही हूँ, हम इंशाल्लाह कल मिलते हैं। खुदा हाफिज़।